दोस्तों आज की इस वीडियो में बताएंगे उज्ज्वला योजना के तहत जो फ्री गैस सिलेंडर मिलता था उसका आवेदन फिर से स्टार्ट कर दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे उसके लिए किस तरह आवेदन करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके लिए कौन एलिजिबल है, पूरी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अप्लाई ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, अगर ऑनलाइन होगा तो कहाँ से होगा, अगर ऑफलाइन होगा कहाँ तो कहाँ पे आवेदन देना होगा, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। कितना चार्ज लगेगा, क्या बिल्कुल फ्री है, कौन से राशन कार्ड धारियों को मिलेगा, पूरी चीज़ हम आपको इसी वीडियो में क्लियर बताने वाले हैं कि उज्ज्वला गैस योजना का फ्री कनेक्शन किस तरह आप ले पाएंगे अगर आपके पास कोई भी राशन कार्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए मैं आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिखा देता हूँ, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट जरूरी है। उसके लिए मेरे पास एक लिस्ट है जो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरूरी कागजात, प्रधानमंत्री उज्ज्वला कनेक्शन लेने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सबसे पहले वो जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जान लें, राशन कार्ड का एक फोटो कॉपी यानी कि जीरोक्स लगेगा। यहाँ पे सभी को, जितने भी व्यक्ति को राशन कार्ड है, चाहे वो पुराना राशन कार्ड हो या नया राशन कार्ड हो, जो भी राशन कार्ड, जिसके राशन कार्ड पे राशन मिल रहा हो, जो पीला हो या उजला हो, किसी भी प्रकार का राशन कार्ड हो, चाहे नया हो या पुराना हो, अगर आप हाल फिलहाल में 1 महीने 15 दिन पहले भी बनाए, तो उस राशन कार्ड पे भी आप फ्री उज्ज्वला योजना ले सकते हैं। कोई भी राशन कार्ड, जिस राशन कार्ड पे अनाज आपको मिल रहा है, तो उस राशन कार्ड पे आप ले सकते हैं। इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि 2011 की जनगणना में आपका नाम होना चाहिए। अब जो यहाँ पे ये नियम कर दिया गया, जिसके पास राशन कार्ड हो, चाहे पुराना राशन कार्ड हो या 10 दिन पहले बना नया राशन कार्ड हो, सभी को ये प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री गैस कनेक्शन दिया जाएगा। ये समझ गए। दूसरी ऑप्शन देखिए, 18 वर्ष के ऊपर के सभी का आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी, जिसका नाम राशन कार्ड में, अगर आपके राशन कार्ड में 5 व्यक्ति का नाम है और 5 में से 3 की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है और 2 की उम्र 18 वर्ष से कम है, आपके राशन कार्ड में 5 व्यक्ति है जिसमें 18 से ज़्यादा उम्र वाले 3 हैं, 18 से कम उम्र वाले 2 हैं, तो 18 से ज़्यादा वर्ष जिसका उम्र हो रहा है, उन सभी का आधार कार्ड का जीरोक्स लगेगा। ठीक है, जितने भी आपके आधार कार्ड के आपके राशन कार्ड में मेंबर हैं और जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा, उस सभी के आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी, और जिसकी 18 वर्ष से कम है उसकी नहीं लगेगी, जिसका नाम राशन कार्ड में है उन्हीं का। ठीक है, अगर आप 6 मेंबर है जिसमें 5 ही मेंबर का राशन कार्ड में नाम है, तो उसी 5 में से अगर आपके राशन कार्ड में 6 मेंबर है जिसमें आपके फैमिली में 6 मेंबर है जिसमें 5 ही व्यक्ति का राशन कार्ड में नाम है, तो उसी 5 में से जिसकी एज 18 वर्ष से ज़्यादा, उसी का आधार कार्ड का डॉक्यूमेंट लगेगा। और चौथा जो है आधार कार्ड का फोटो कॉपी, आधार कार्ड का जो फोटो कॉपी है, यहाँ पे जिसके नाम से लेना चाहते हैं उसका, यहाँ पे उज्ज्वला प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है ये लेडीज़ के नाम से मिलेगा, तो आपके राशन कार्ड में जो भी लेडीज़ है जिसके नाम से आप लेना चाहते हैं, उसका आधार कार्ड का भी फ़ोटो कॉपी लगेगा, और उसी का बैंक पासबुक का फ़ोटो कॉपी, मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, तो जान गए, एक आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी और पूरी फैमिली के, जिसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा उसकी फ़ोटो कॉपी, जिसके नाम से लीजिएगा उसका फ़ोटो कॉपी, और जिसके नाम से लीजिएगा उसका बैंक पासबुक की फ़ोटो कॉपी, मोबाइल नंबर, ये सारे दस्तावेज हो गए। और साथ साथ अगर देखेंगे होंगे कि आपके आधार कार्ड में राशन कार्ड में नाम गलत है, तो दोनों में नाम गलत है, तो आपको क्या करना होगा, गलत नाम होने पर हैप्पी रिपीट देना होगा, आपको अपने कोर्ट से एक हैप्पी रिपीट बनवा लेना है कि आपका जो राशन कार्ड में नाम है और जो आपके आधार कार्ड में नाम है वो आप ही का नाम है, इस तरह का आप कोर्ट जाइएगा तो वहाँ पे आपको हैप्पी रिपीट बना के दे देगा। अगर नाम आपका सेम है राशन कार्ड और आधार कार्ड में, तो आपको हैप्पी रिपीट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड और राशन कार्ड में नाम अलग अलग है, तो आपको एक हैप्पी रिपीट देना होगा। तो ये आप समझ गए, डॉक्यूमेंट लगेगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, और फोटो लगे तो फोटो आप दे सकते हैं, और कौन कौन से आधार कार्ड राशन कार्ड धारियों को मिलेगा, सभी को मिलेगा, जिसके पास राशन कार्ड है, जिसको राशन मिल रहा है, उन सभी को मिलेगा, जिसका नया या पुराना, दो डाउट आपका क्लियर हो गया, क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कौन से राशन कार्ड धारियों को मिलेगा, दो डाउट आपका क्लियर हो गया।
अब तीसरी बात करते हैं कि ये मिलेगा कैसे, ये ऑनलाइन आवेदन या ऑफलाइन आवेदन। इसके लिए आपको ऑफलाइन आवेदन करना होगा जिस भी गैस से आप कनेक्शन लेना चाहते हो, चाहे एसपी हो, चाहे भारत हो, चाहे इंडियन हो, जिस भी एजेंसी से आप लेना चाहते हैं, भारत, एचपी, इंडियन, उस एजेंसी में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। वहाँ पे बोलना है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन लेना है, तो ये सब सारे डॉक्यूमेंट वहाँ आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको वो गैस कनेक्शन बिल्कुल फ्री में दे देंगे। सिर्फ यही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। अगर फ़ोटो मांगे पासपोर्ट साइज़ की तो फ़ोटो आप दे सकते हैं। तो तीसरा डॉट भी क्लियर हो गया, ऑनलाइन आवेदन नहीं होगा, इसका ऑफलाइन आवेदन होगा, गैस एजेंसी से ही होगा, जिस कंपनी से आप गैस लेना चाहते हैं उस एजेंसी में ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत आप गैस कनेक्शन लेना चाहते हैं, इस तरह वहाँ पे ऑपरेटर को बोलेंगे तो वो फिर आपका डॉक्यूमेंट लेंगे, आपको एक गैस कनेक्शन दे देंगे। ये सभी जगह शुरू हो गया, ऑल इंडिया में किसी भी गैस एजेंसी में जाके आप इस डॉक्यूमेंट से ले सकते हैं। अगर आपका और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं उम्मीद करूँगा, मैं कोशिश भी करूँगा कि जल्द से जल्द आपकी उस डाउट को क्लियर किया जाए।